आज जो है ना लोग कितना संरक्षण लेंगे। रुकिए प्लीज अंजना जी, देखिए मैं बुरा नहीं मानता, रागिनी जी को जो मार पड़ी है जनता की, मतलब उनकी पार्टी को, तो वो मार बहुत गहरी मार है, तो उसे उभरने में समय लगता है। और देखिए आज तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अतिक्रमण परिवारवाद का हटा है, और परफॉर्मेंस का जो एक सबसे बड़ा हमारा पैमाना होना चाहिए था उसको स्वीकारा है। जब परिवारवाद का अतिक्रमण हटा, देखिए अंजना जी इस प्रकार की डिबेट तो नहीं हो सकती, आप तो लगातार वो बोल रही थी धारा प्रवाह। अरे भाई ना आप मेरी क्लास मॉनिटर हो ना आप शो के एंकर हो। देखिए मुझे लगता है कि जब सत्य की आवाज आती है तो झूठ कहीं कहीं से निकलता है, परंतु झूठ जो है उसको जनता भी जवाब देती है, तो मुझे जवाब ना देने दे, उनको जवाब मिलेगा जनता से। देखिए मैं इनसे दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। आज सवाल ये पैदा होता है कि लय किसने तोड़ी है आपकी? लय उसने तोड़ी है जिसने देखा कि 60 वर्ष आपने केवल और केवल आपने बातें बड़ी बड़ी की, गरीबी हटाओ के नारे दिए, पर किया कुछ नहीं। आज आपको बता दूं 80 करोड़ लोगों को जब दो वक्त का खाना मिलता है, जब 6 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता है, जब 3 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनते हैं, जब 11 करोड़ के टॉयलेट बनते हैं, जब 12 करोड़ किसानों को 1,80,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि मिलती है, फसल बीमा योजना लाखों करोड़ों की मिलती है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन या क्रेडिट जिसको मिलता है 60-70% वो SC ST OBC समाज को ही मिलता है। वही लोग हैं हमारे जो चुनाव हमने 3 जो प्रत्याशी दिए थे उनका जरा आकलन कीजिए, APJ अब्दुल कलाम साहब, रामनाथ कोविंद साहब और अब द्रौपदी मुर्मू जी। मुझे बताइए कि ये जो आरोप हम पे लगाते हैं, कौन असलियत में बाबा साहेब अंबेडकर जी की विचारधारा पर चल रहा है, कौन संविधान के बातों पर चल रहा है, और किसने संविधान को केवल अपनी सहूलियत के लिए प्रीएम्बल तक को बदल दिया और कहते हैं हम अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। और आखिरी बात मैं इतना ही कह रहा हूं, देखिए ये सवाल हम पे उत्तर प्रदेश पे उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पे उसी पर दे रहा हूं, तो हमने कौन सा मना किया कि वो प्रथम राष्ट्रपति नहीं बनी महिला? आपने कैंडिडेट हमने कैंडिडेट उतारा, सुनिए हमने बिल्कुल कैंडिडेट उतारा, हमने कैंडिडेट बिल्कुल उतारा, जवाब दे रहे हैं। हमने कैंडिडेट बिल्कुल उतारा, पर एक चीज अंजना जी नोट कीजिए कि आज जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी प्रत्याशी बनाकर आगे किया, तो अगर ये लोग सही मायनों में आदिवासी समाज के साथ होते तो आज ये कहते कि ठीक है हमने यशवंत सिन्हा जी को सहूलियत के लिए हमारा कैंडिडेट बनाया था, पर हम पीछे हो जाते हैं, हम इसको अलग कर देते हैं, परंतु उन्होंने नहीं किया। और इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे कारण केवल ये है कि ये आदिवासी समाज के खिलाफ है, इसीलिए आज तक इन्होंने अजय कुमार के बयान पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं एक ही बार चाहता हूं कि आप अजय कुमार के बयान पर एक बार कार्रवाई कर दें। अब बताइए जानती हूँ आपको मैं बुरा लगा। देखिए कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, क्या वो एक देश की राष्ट्रपति हैं, उनकी इज्जत उनका सम्मान आज मैं समझती हूँ। अब आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, उनको भी टोकिए चुप हो गई, लेकिन ये व्यक्ति चुप नहीं हो रहे हैं। हाँ बोलिए। तो मैं तो आज ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आज किसानों की आय देश में 27 रुपया हो गई है, भुखमरी के विश्वगुरु हम बनने वाले हैं, 101वें नंबर पर अजय कुमार के बयान का क्या है? वो बोल रही है, अरे वो बोल रही है तमीज सीखे बने डिबेट करने की, तमीज सीखे डिबेट करने की। मैं जानना चाहती हूँ कि 42% वो कहेंगे ईवल कैंडिडेट, वो कहेंगे रबर्स का कैंडिडेट, कैसे क्या कंट्रोल क्या करें, किसी का मुंह बंद कर दे। मैं बोल मैं चुप हुई कि नहीं हुई? आप बदतमीजी मत करिए प्लीज, मत ये बहुत गलत तरीका है। मैंने चुपचाप आपकी बात सुनी, 3 मिनट तक सुनी, और आप इसे अजय कुमार वापस आइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि किसी भी तरीके की अगर तल्ख टिप्पणी किसी भी तरीके की राष्ट्रपति के खिलाफ होती है तो कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है, खंडन करती है। मैं आपके कार्रवाई कब करेंगे आज आपके सामने कह रही हूँ, मुझे ये तो बताइए कि रुपया 7% की दर से गिर रहा है या पिछले 80 सालों में नहीं गिरा? नहीं, आदिवासी समाज को दुष्ट इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इनके हिसाब से अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि 35 सालों में महंगाई दर इतनी ऊपर पहुंच गई है, 10% इन्फ्लेशन देने वाले लोग हमें महंगाई का बोल रहे हैं,
आप दूध पर, दही पर, आटे पर, पनीर पर 5% जीएसटी लगा रहे हैं। अजय कुमार पर भी चर्चा हो जाए एक बार, 5% जीएसटी चुनाव पर देता है, मरेगा तो हॉस्पिटल बेड पे 5% जीएसटी देगा। मुझे ये बताइए, ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे से करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लेकर नीरव मोदी और ललित मोदी भाग जाते हैं, ये आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू के दिन भी आप मेहुल चौकसी और अडानी करेंगे? ये सबका द्रौपदी मुर्मू के दिन कर रहे हैं ना? आज बताइए, चुनी जा रही है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं क्या? अंजना जी, आपका सारा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आज, मुझे बहुत दुख हो रहा है, एक तो आपने लास्ट मिनट पर टॉपिक बदला जिसकी मुझे कोई, अरे मेरे लिए भी बदला गया, ऐसे थोड़ी ना पता था आपकी तैयारी और रिकॉर्डिंग। हां यही तो समस्या है, परफॉर्मेंस हमेशा तैयारी से होती है, परिवार हमेशा लेगेसी पे होता है, परिवार लेगेसी पर, परफॉर्मेंस तैयारी पर। मेरे ऊपर ही आपके सारे सवाल हैं और इनको भी आप रोक नहीं पा रही है, लगातार मुझे भी पूछे। मैंने आपसे उत्तर प्रदेश की बात की, मैंने आपसे बात की मध्य प्रदेश की, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले आज यहाँ पर अंबेडकर की दुहाई दे रहे हैं। बीजेपी कब किया है? बीजेपी का गठन कब हुआ है? आप मुझे, बीजेपी का गठन कब हुआ है? संघ तो था, संघ तो था।